जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। भूल कर भी ना करें ये काम तुलसी के पत्तों के साथ। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तुलसी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है, लेकिन अगर हम विज्ञान की माने तो विज्ञान की दृष्टि से तुलसी एक औषधि भी है। तुलसी को हजारों वर्षों से विभिन्न रोगों के इलाज के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। यही नहीं, एक कहावत भी है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वो पूजनीय स्थान होता है, वहाँ कोई बीमारी नहीं आती है। तुलसी का पौधा हमें पहले ही सावधान कर देता है कि घर पर कोई मुसीबत आने वाली है। तुलसी हमेशा घर में और मंदिरों में लगाई जाती है, साथ ही इसकी पत्तियाँ भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। दरअसल तुलसी के पत्तों का सेवन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन सेवन करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन पत्तों को कभी भी भूल कर भी नहीं चबाना चाहिए। इनको आप सीधे निगल सकते हैं। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। अगर आप तुलसी के पत्तों को चबाते हैं तो तुलसी के पत्तों में पारा धातु के तत्व होते हैं, जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं और ये दांतों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। इसके साथ अगर तुलसी का पौधा अचानक से मुरझाने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि घर पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि तुलसी के पत्ते एकादशी, रविवार, सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय नहीं तोड़ने चाहिए। इसके साथ साथ रात को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।